सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले, 2004 से 14, भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा आप करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटालों। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था, चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में
जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था।